बैठक के आने से और शराब की कीमत बढ़ गई। फिर दोबारा भैया दारू वाला कह रहा के पाठक आ गया, थोड़ा टाइट हो गया है इसलिए 200 बढ़ गए। अब तीसरा कह रहा है टाइट हो गया, उसको माल जाते टाइट हो गया। तीसरा कह रहा प्रभारी जी भी एक तो अब आ गए, तो प्रभारी आएंगे तो उसको भी देना पड़ेगा, तो 100 टका और बढ़ गया। कौन होटल में कौन नेता, कोई नेता क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ अभी तक? 6,33,000 आम लोग क्यों गिरफ्तार हुआ? कोई पदाधिकारी क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ दारू में? कहा है चौकीदार को सस्पेंड कर दो तो फिर बताएगा कौन? भैया से न जीती तब होती के गलफानी, कमजोर के बीवी सबके भोजा है, मजबूत के बीवी सबके माँ है। चौकीदार को फिक्स कर दो, जब मना है सब कुछ करो। कौन नहीं दारू पीता है? कौन स्मैक नहीं लेता है? कौन नेता लगभग? आप ब्लड जांच कीजिए, आप ईडी की जो संपत्ति यदि रजिस्टर पकड़ा रहा 15 करोड़, तो उसके मंत्री के पास तो 1500 करोड़ होगा। जिस विभाग का पदाधिकारी पकड़ा रहा, आप सोचिए नेता के पास कितने पैसे होंगे? क्यों आज तक कोई नेता की संपत्ति जांच नहीं करो? क्यों समाज सुधार करिए ना, गरीबी खत्म करके करिए, रोजगार देके करिए। आप अच्छा काम कर रहे राजा राम मोहन राय का मुझे आपत्ति नहीं है, मैं आपके सपोर्ट में हूं, होना चाहिए। लेकिन प्राथमिकता है विशेष राज, MSP, रोजगार, पलायन को रोकना, लॉ एंड ऑर्डर। पटना में दोनों तरफ से गोली मार दिया मस्तू को और सुनील को, कोई सुनने वाला नहीं। नीरज कुशवाहा मुखिया को मार दिया, कोई देखने वाला नहीं। पुलिस पीटते पीटते मार दी, कोई सुनने वाला नहीं। क्या बात, होना क्या चाहिए? ये तो हुआ ठीक है, जो आप देख रहे हैं वो बताया, तो शराबबंदी तो होना क्या चाहिए? आपकी क्या मंशा? चुनाव आयोग को बदल दीजिए, जो जो आदमी शराब ड्रग्स स्मैक और कोरेक्स पीता है उसको वार्ड सदस्य से लेकर MP तक का चुनाव लड़ने का अधिकार छीन लीजिए। जांच कीजिए उसके ब्लड सैंपल, झाड़ू ऊपर से दीजिएगा कि नीचे से। दूसरा तरफ जो शराब बेचता है, जो शराब का माफिया है, पीने वाले को पुलिस का पता चल जाता है, बेचने वाले और लाने वाले को पता नहीं चलता है। 6,32,000 को जो जेल भेजे, तो थाना भी पैसा लिया, वकील भी पैसा लिया, परिवारों से लिया, मारा भी और जेलों भोगा, तो गरीब का क्या दोष है भाई? सब गरीब खेल गया, सब नेता और मंत्री विधायक ऊपर से लेके कोर्ट लगभग 60-40%। समाज में नहीं आता है विशेष राज का मुद्दा पॉलिटिकल स्टंट क्यों बनता है? पॉलिटिकल विशेष राज का मुद्दा पॉलिटिकल इवेंट्स नहीं होना चाहिए। विशेष राज का मुद्दा जिंदगी और मौत का सवाल है, और ये मुद्दा सबसे पहले बंटवारे के वक्त पप्पू यादव ने उठाया था। एक बार नहीं सदन में हम एक एक वीडियो भेज देंगे कब कब हम इस मुद्दे पर लेकर और विशेष फैक्ट्रियों को लेकर पैकेज बनाने की बात करने की। और मेरे लास्ट पर भी हार बटेगा, लालू यादव जी का स्टेटमेंट याद कीजिए, और बिहार बट गया, देवगोरा और गुजरात के लिए किंग मेकर हो गए, लेकिन हमको विशेष राज का दर्जा या पैकेज नहीं मिला। हम लगातार 34-35 सालों से दंगे कर रहे, और नीतीश कुमार जी यदि विशेष राज का दर्जा चाहिए तो हमें तय करना होगा कि बिहार के निर्माण में BJP की भूमिका शून्य है, जो GST का पैसा नहीं देता, फरक्का और बाप के लिए हमें मदद नहीं करता। सर मुझे समझ में नहीं आता, नीतीश कुमार जी प्रेशर पॉलिटिक्स खेलते तो बहुत पहले छोड़ देते ना। मैं तो चाहता हूं कि कांग्रेस नीतीश जी एक साथ आकर के आगे बढ़े, छोड़े BJP को, चले बिहार में चुनाव के लिए। कांग्रेस और नीतीश जी और किसी को रखना चाहे मुझे आपत्ति नहीं है, मेरी आपत्ति है कि BJP के साथ रखे विशेष राज का दर्जा नहीं मिल सकता। आप आंदोलन करने वाले साथ मांगे 27 तारीख से लगातार, जब तक विशेष राज का दर्जा और MSP कानून, जो मेरे लिए जीवन मरण का सवाल है, और रोजगार दो, बेरोजगार नहीं, दोनों भाई पॉलिटिकल इवेंट्स
और राजनीतिकरण नहीं कर सकते। रोजगार को रोजगार लेके रहेंगे। इस लड़ाई को लेकर के लगातार हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आर पार की लड़ाई। अब समाज सुधार का क्या उचित है सर? कोई फायदा नहीं। क्या होना है? कौन यहाँ पर गरीबी सबसे ज्यादा, ताश खेलने से फुर्सत नहीं, जात पात से फुर्सत नहीं। कोई कभी किसी जात को गाली देता है, कोई किसी जात को गाली देता है, कोई जीप काटता है, कोई गरिया देता है, राजनीति करने के लिए पॉलिटिशियन जो कुकर्म सब करता है। सर संविधान मेरी इजाजत देती है किसी धर्म मजहब और जाति को गाली देने का? अभी सिंहवाड़ा में दो बच्ची गायब हो गई। अब जो बच्ची गायब हो गए सिंहवाड़ा में, उनके गार्जियन ने मुझसे कहा वहां पर अब बच्ची गायब हो गई, डीएसपी एसपी से बात करते हैं, बोला 12 घंटे में बच्ची की गिरफ्तारी होगी। लेकिन आप वहां पॉलिटिकल हिंदू मुसलमान कर दीजिए। आप उस वक्त 3 सालों से लड़की के साथ उस लड़का का कन्वेंशन है, जल्दी से बच्ची की हम चाहते हैं कि उपस्थिति हो। इसमें ना तो कोई जात है ना धर्म मजहब है, तो बिहार को यही सब चीजों से फुर्सत नहीं है। क्या समाज सुधार होगा? दहेज 3 गुना बढ़ गया, शराब 4 गुना बढ़ गया। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।